हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक हियर विद अनदर रेसिपी जो है चिकन लखनवी पुलाव की। जी हाँ, चिकन लखनवी पुलाव बनाएंगे आज, तो आइए देखते हैं इसका प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने पानी ली हूँ 2 लीटर, उसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस जैसे तेज पत्ता, सिनेमन स्टिक, छोटी इलायची, लौंग, ब्लैक पेपरकॉर्न, क्वांटिटी मैंने सारी स्क्रीन पे मेंशन की हुई है, धनिया ऐड करेंगे, जीरा और सौंफ, एक बड़ा साइज का अनियन इसमें ऐड करेंगे, गार्लिक के क्लोव्स, सॉल्ट। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन यूज़ की हूँ, आप लोग चिकन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। बस इसको ढक देंगे और 15 टू 20 मिनट्स के लिए कुक करेंगे, जब तक चिकन टेंडर नहीं हो जाता। आप लोग देख सकते हो पानी में अच्छा सा बॉईल आ रहा है और चिकन भी मेरा यहाँ पे टेंडर हो चुका है। तो मैं चिकन के पीसेस को निकाल लूँगी, पानी को छान लूँगी, जो स्टॉक होगा वो सेव कर लेंगे, जितने भी स्पाइसेस होंगे उसमें जो हम लोग ने डाले हैं उसको डिस्कार्ड कर लेंगे, बस उसमें से गार्लिक के क्लोव्स को भी सेव कर लेंगे। एक दूसरे बर्तन में मैंने यहाँ पे ऑयल ली हूँ 1 कप, आप लोग ऑयल की भी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, लौंग ऐड करेंगे, तेज पत्ता और एक बड़ा साइज़ का अनियन मैंने यहाँ पे ऐड की हूँ, अगर मीडियम साइज़ के होंगे तो 2 यूज़ करेंगे। ग्रीन चिली ऐड करेंगे और अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे, मीन्स फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़े से अनियन साइड में निकाल लूँगी बाद के लिए। अब इसमें गार्लिक के क्लोव्स ऐड कर रही हूँ जो पहले सेव करके रखे थे, थोड़ा सा क्रश करके, और उसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और 2 मिनट्स के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ और इसको भी साथ में भूनूंगी ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। देख सकते हो आप चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें दही ऐड करूंगी। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही भून लेंगे 2 मिनट्स के लिए। मैंने 1 किलो चावल के लिए 1 लीटर स्टॉक यहाँ पे यूज़ की हूँ फर्स्ट, उसके बाद में मैं थोड़ा और यूज़ करूँगी। टोटल मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर स्टॉक यहाँ पे यूज़ की हूँ। सॉल्ट ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे एक बार। मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ, मैंने बासमती राइस यूज़ की हूँ, 1 घंटे के लिए सोक करने रखी थी। आप लोग कोई भी राइस यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि बासमती राइस यूज़ करें। एक बार मिक्स कर लेंगे इसको। बस इसको खुले में ही अब कुक होने देना है। का पानी पूरा ड्राई हो गया है तो ऊपर से मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। फूड कलर ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे 2 फूड कलर यूज़ की हूँ, रेड और ऑरेंज। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को नहीं करना तो स्किप कर सकते हो। ऊपर से थोड़ा और पानी ऐड कर रही हूँ मैं और इसको दम पे रखूंगी। अब ब्राउन अनियन जो पहले सेव करके रखे थे ऊपर से डाल देंगे और उसको कवर करेंगे
15 मिनट्स के लिए इसको दम पे रखेंगे। तो 15 मिनट्स बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ, पुलाव मेरा डन था। अगर 15 मिनट्स बाद आपका पुलाव डन नहीं है, चावल कच्चे हैं, तो 2 मिनट्स के लिए उसको और दम पे रखेंगे। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और डिश आउट कर लूँगी। तो कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा पुलाव, लखनवी पुलाव। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।